अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं GSM जुबैर खान। तो दोस्तों काफ़ी दिन के बाद ये मैं वीडियो और लाया हूँ। ये मॉडल है सैमसंग ग्रैंड प्राइम है और इसका जो मॉडल नंबर है वो SM532F है। और इस पे जो है ना ये डाउन रिकवरी मोड में नहीं जा रहा, ये ब्रेक ऑन हो रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने पहले भी ट्राई की है लेकिन नहीं हो रहा। तो इसके लिए एक फ़ाइल है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो PCB की ज़रूरत पड़ेगी और एक ऑडियन टूल है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर 532F की बजाय G है फिर भी काम चल जाएगा। और ये देखना सेट ऑन हो गया है, तो इसको जैसे हार्ड रीसेट करते वो नहीं हो रहा क्योंकि रिकवरी मोड में नहीं जा रहा। तो अभी हम इसकी बैटरी दोबारा निकाल के लगा देते हैं। अभी मैं आपको मॉडल नंबर दिखा देता हूँ इसका, ये 532F है। और अगर आपके पास 532G है फिर भी कोई मसला नहीं, यही सेम तरीका लगाना जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। अभी एक बार दोबारा मैं अभी इसको डाउनलोड मोड में ये जा रहा है। अभी ये प्ला वॉल्यूम डाउन सेंटर वाला बटन और पावर ऑन वाला बटन दबाना है और यहाँ और इसके बाद पावर ऑफ वाला बटन दबा देना है क्योंकि डाउनलोड मोड में लेकर जाना है। तो ये मोबाइल हमारा डाउनलोड मोड में चला जाएगा, डाउनलोडिंग में हो जाएगा। और इसके बाद हम चलते हैं अपने PC पे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये दो टूल है, एक है फाइल है और एक ऑडियन टूल है। इन दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। दोनों फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है पहले दोस्तों। अगर फोर्स ना हो तो इसके लिए सॉरी, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल पे कैमरा है। तो सबसे पहले हम ऑडियन को रन कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, इस पे जो है ना ड्राइवर सैमसंग के ड्राइवर होने लाजमी है। तो अभी यहाँ पे AP पे जाकर हम वो फाइल सेलेक्ट करेंगे जो हमने डाउनलोड की है। तो तकरीबन 17 MB की है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अपने बात आसानी डाउनलोड कर लेनी है। और ये जब फाइल देंगे तो इसके बाद वो बटन भी वर्क करेगा आप वाला, उसके बाद कभी भी आप वो उसको रिकवरी मोड में ले जा सकते हैं। अभी हम केबल कनेक्ट कर देते हैं। तो ये देखें ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं लेकिन ड्राइवर मिसिंग है। तो मैं पहले सबसे पहले ड्राइवर जो है ना वो इंस्टॉल कर लेता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। ड्राइवर मिसिंग है और मैं अभी इसके जो ड्राइवर है ना सैमसंग के वो इंस्टॉल करता हूँ। तो उसको मैं कॉपी करके डेस्कटॉप पर ले जाता हूँ। तो डेस्कटॉप पर जाने के बाद हम सबसे पहले इसको रन करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। थोड़ा लेट हो सकता है, ये आपके सिस्टम के मुताबिक होगा स्पीड कितनी अच्छी है। तो मेरा सिस्टम ना ही इतना स्लो है और ना ही इतना तेज़ है, बस नॉर्मल कंडीशन में है क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं इसी पे काम करता हूँ। यहाँ पर आपने वो ये आपको ड्राइवर जो है इसके ड्राइवर है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अपने बात आसानी डाउनलोड कर लेना है फाइल को भी ऑडियन को भी। ये एक ही फाइल में आपको मैं दे दूँगा। अभी इसे इंस्टॉल होने में तकरीबन एक मिनट लग जाएगा, तब तक जाकर जो है ना नहीं मेरा सिस्टम थोड़ा तेज चल रहा है। अभी तक वेट करते हैं जब तक ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होते। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपके पास ये वाला मॉडल है तो इस पे जो है ना हार्ड रीसेट आपके पास डिवाइस नहीं है, आप हार्ड रीसेट करके तो ऑन कर सकते हैं। और ऑन करने के बाद FRP का मसला आता है, तो इसकी मैं एक वीडियो FR की जो है ना वो भी बना दूंगा FRP पे। तो वो बहुत ही आसान है, नॉर्मल सा तरीका है, आपने एक बार देख ली तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई और वीडियो देखेंगे। अभी ये देखें ड्राइवर इंस्टॉल हो गए हैं। तो अभी दोबारा हम ऑडियन को ओपन करेंगे और वहाँ पर इसकी जो रिपोर्ट शो हो जाएगी। ये देखें ड्राइवर इंस्टॉल हो गए हैं, अभी ऑडियन वेल ही रन है। तो अभी वहाँ देखते हैं, ये देखें वो देखें ऊपर इसका जो है ना आइकॉन आ गया है पोर्ट का, जो भी अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट होते ही ये देखें इधर भी काम स्टार्ट हो गया, इधर पास लिखा हुआ आ गया कि मोबाइल बिल्कुल ओके हो गया। अभी मोबाइल दोबारा रीस्टार्ट हुआ है। दोस्तों कहीं समझ ना आई तो वीडियो को दोबारा देख ले, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी ये देखें रिकवरी मोड में जा रहा है, अभी ये थोड़ा टाइम लेगा। हाँ
अभी हमने ये फाइल दी है, इसके बाद कभी भी आप इस फाइल को रीसेट कर रहे हैं तो साइड वाला बटन पहले तो नहीं वर्क कर रहा था, तो जब भी इसके बाद आप करेंगे तो वो वर्क करेगा। ये फाइल थी मिसिंग थी, इसलिए वो बटन बिल्कुल ठीक होता है, ये नहीं होता कि बटन काम नहीं कर रहा, नहीं बटन बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बटन के जरिए रिकवरी मोड में नहीं जा रहा। तो इसके लिए ये तरीका है, बहुत ही आसान है, नॉर्मल सा तरीका है, किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी ये देखें, अभी ये रिकवरी मोड में आ गया है, इसके पावर बटन और पावर वॉल्यूम ऑफ वाला बटन दबाना है, फिर डाउन वाला दबाना है। अभी ये देखें, इसका जो है ना पेज आ गया, जिससे हम इसको स्टार्ट भी सेट कर सकते हैं, आपको इसमें करके भी दिखा देता हूँ। अभी ये मोबाइल थोड़ा फोर्स नहीं कर रहा, अभी कुछ बेहतर है। तो वॉल्यूम डाउन वाले बटन पे हम नीचे जाते हैं, वॉइस डाटा नीचे आना बिल्कुल, जैसे बिल्कुल मैंने पहले भी 2-3-4 वीडियो बनाई है इसके हवाले से, तो एक कट बजाना पड़ा वॉइस का। तो अभी ये देखें, इसको हम इसका डाटा ख़त्म करते हैं जो पहले वाला लगा हुआ है, और ये चला जाएगा FRP पे, क्योंकि इस पर जो है ना नया गूगल अकाउंट लगा हुआ था उनका कहना है। तो इसको जब हम ऑन करेंगे तो ये चला जाएगा दूसरे पे FRP पे। अगर इधर मैं बताता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, है किसकी वीडियो, एक मैं अलहदा वीडियो इसकी बनाऊँगा। इसके बाद जो वीडियो भी आएगी वो FRP के हवाले से आएगी। अगर आपको वीडियो चैनल पर नया तो सकता है।